नमस्कार दोस्तों, चैनल हिमाचली रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दवाई की दवाई और मिठाई की मिठाई। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए एक ताकतवर चीज़ जो कि तिल और अलसी से उनके लड्डू बनते हैं। आज मैं आपको उसकी विधि बताऊंगी कैसे कैसे बनते हैं। बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बढ़ते हुए बच्चों को दोस्तों ये चीज़ें देनी बहुत ही ज़रूरी है। इससे बच्चों का दिमाग भी बढ़ता है और शरीर भी अच्छा ही अच्छी ग्रोथ करता है और कोई बीमारियां तक भी नहीं लगती है। नहीं तो बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं। ये चीज़ें जो है सर्दियों में ज़रूर देनी चाहिए ताकि साल भर की कवरिंग हो जाए। और बड़े इस चीज़ को खाएं तो उसके लिए अलग सी दवाइयां होती है और इनमें ही जो भी मैंने सामग्री बच्चों के लिए बतानी है उसमें अगर वो दवाइयां पड़ जाए तो जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, जॉन्टों की प्रॉब्लम है, दर्द है, तो कमर की दर्द जैसे घुटनों की दर्द सब ठीक हो जाएगी अगर महीना भर खाते रहेंगे रोज़ एक लड्डू। ये देखिए मैंने ये लिए हैं काजू बादाम जो कि 100-100 ग्राम के हिसाब से लिए हुए हैं। ये मैंने तिल लिए हैं, अलसी ली हुई है और ये मूंगफली जो छिलका भून के छिलका उतार के ली हुई है और ये नारियल है, सूखा नारियल जो होता है इसको मैं पीस लूँगी। और ये घी 250 ग्राम में लिया है, जितना लगेगा उतना ही डालूंगी। ऐसे लिया है, ये किशमिश लिए हुए हैं, ये चीनी ली हुई है इसको भी मैं पीस के ले लूँगी और ये अजवाइन है जिससे बच्चे का ठीक हाजमा रहे। पहले मैं बच्चों का ही बनाना बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ और ये इसमें तिल डाल रही हूँ, इसको भून लूँगी और अच्छे से चटक जाएंगे जैसे, तब मैं इसको ठंडा करके पीस लूँगी। तिल हमारे हो चुके हैं, चटक रहे हैं, अभी चटक लेंगे ठीक से तो हम इसको ठंडा करके पीस लेंगे मिक्सी में। अब इसमें मैं डाल दूँगी अलसी, अब इसको भी ऐसे ही भून लेंगे, इसको भी चटकने देंगे। ये देखिए अलसी भी हो रही है, अभी आधा मिनट के लिए ऐसे ही करूँगी, जब फटकना बंद हो जाएगी तो मैं इसको भी निकाल के पीस लूँगी ठंडा करके। अभी एक खाली बर्तन ले लिया मैंने कढ़ाई, इसमें ये डाल दूँगी काजू बादाम जो तो है मैंने पीस लिए हैं मोटे मोटे। अभी कढ़ाई मैंने नीचे ही रखी है, सब पीस के एक जगह इकट्ठा कर लूँगी। ये मैंने तिल पीस लिए, अभी ये भी डाल रही हूँ। ये मैंने अलसी पीस ली हुई है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये अजवाइन पीसी है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मूंगफली और नारियल मैंने पीस लिया है, इसको भी मैं डाल रही हूँ। चीनी 200 ग्राम मैंने ली थी, उसको भी मैं डाल रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने 100-100 ग्राम के हिसाब से ली है, लेकिन चीनी मैंने 200 ग्राम ली है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है किलो भर में हो चुकी है। अब मैंने कढ़ाई ली है और जो किशमिश है और उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं इसमें देसी घी डाला हुआ है इसमें पकाऊंगी ताकि ये पक जाए, फूल जाए। ये देखिए जो किशमिश थे भून के फूल चुके हैं, अभी ये मैं भी इसमें ही डाल दूंगी। ये सारा मिक्स कर देंगे हम। ऐसे ही इसको ठीक से मिला लेंगे। अभी घी गरम करेंगे और इसके अच्छे से लड्डू बना लेंगे। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, ये बना के देखना, बच्चों को खिला के देखना, बच्चे पसंद भी बहुत करेंगे। और बच्चों को पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 5 साल के बाद के, उनको ज़रूर खिलाना। 15 साल तक के बच्चों को बहुत ही अच्छे हैं ये, पढ़ाई में भी अच्छे रहते हैं। इसमें बादाम पड़े हैं जो कि दिमाग ठीक करते हैं और इसमें घी भी पड़ेगा। सब चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें हैं सब ताकत की हैं और बच्चों को, बढ़ते बच्चों को बहुत ही अच्छी होगी।
अभी मैं बताऊंगी आपको कमर दर्द और घुटनों के दर्द की दवाइयाँ। ये जो है ये एक जीरा गूंद है, मैंने पीस के लिया हुआ है। ऐसे नहीं पीसते इसको, एक चम्मच घी का डाल के 50 ग्राम अगर पड़ जाए ऐसे लड्डुओं में, जितना भी ये मटेरियल बना, और वो घुटनों के दर्द के लिए भी यही सब बनेगा जो बच्चों के लिए बनाया, लेकिन उसमें ये दवाइयाँ पड़ेगी। जैसे ये है तो ये मैंने पीस के भुना हुआ है घी में और पीसा हुआ है, इसके खिल जैसी बन जाती है। और ये जायफल है, और ये जायफल भी भून के इसको डालते हैं दर्द के लिए। और ये मगज़ है, और ये काली मिर्च है 1 तोला, और ये कमर कस है जो कमर की दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मैंने पीस के लिया हुआ है। अगर हम अपने लिए लड्डू बना रहे हैं, जैसे जिनके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द, जॉइंटों की दर्दें हैं, उनके लिए ये दवाइयाँ ज़रूर डालना। और ये तो मैंने बता ही दिया, ये है कमरकस। ठीक से आवाज़ नहीं आई होगी तो मैं फिर से बता देती हूँ, ये कमरकस है। ये और कचीरा गूंद, ये कमरकस, ये कचीरा गूंद, और ये जायफल, और ये काली मिर्च, और ये मगज़, ये सब इसमें पड़ता है। और ये सौंठ है जो सूखा हुआ अदरक होता है उसका, उसको पीसा हुआ है, इसको भी हम डालेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा घी बचा हुआ है जो हमने किशमिश का भुने हुए हैं, तो इसमें ही हम इस जायफल को भी भून लेंगे। अभी थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा तो हम निकाल के पीस लेंगे इसको। अभी 1 चम्मच घी का डाला, अभी ये जो सौंठ है हम इसको भी ठीक से घी में भून लेंगे, इससे ठीक से पच जाएगा और इसका स्वाद भी अच्छा आता है। जैसे थोड़ी थोड़ी मिर्ची भी होती है इसमें तो टेस्टी भी बनते हैं लड्डू इससे, और इससे जितना भी हमारे शरीर में बैलापन होगा वो सब खत्म होगा। देखिए ये सूंठ हो चुकी है, अभी हमने गैस बंद कर दी है। अभी इसमें हम घी डाल देंगे ज़्यादा, ताकि ये गल जाए और इसमें मिलाने के लिए ठीक हो जाए। इतना ही डालते हैं, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से ले लेंगे। अब हम इसमें घी डाल रहे हैं, हम सारा मिला देंगे इसको आराम से। बच्चों के में हम सिर्फ सौंठ ही डाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा दवाइयाँ ठीक नहीं है, और जिनको दर्द है उनके लिए ही मैंने जो दूसरी दवाइयाँ रखी है, सौंठ ही डाल रहे हैं सिर्फ। ये मैंने साबुत ही डालना है, और इसको तो बच्चों को भी डाल सकते हैं ये जो मगज़ है, लेकिन जो ये दो दूसरी दवाइयाँ हैं, ये देखिए ये काली मिर्च है और कमरकस और कचीरा गूंद, और ये जायफल मैंने भून के ले लिया और इसको पीस लूँगी। ये आप सोचें कि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये सब मत डालें, यार अपने लिए दर्द के लिए बना रहे हैं तो इन दवाइयों को ज़रूर डाल लें। आपको कम से कम 30-35 दिन तक 30-35 लड्डू बनने ही चाहिए, तभी आपको बहुत आराम मिलेगा दर्दों से। और सर्दियों में ये चीज़ें खानी ही चाहिए ताकि साल भर की कवरिंग हो जाए। ये देखिए अभी मैं ऐसे ही इसके लड्डू बना बना के ऐसे ही बना दूंगी, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेंगे। ऐसे ही हम लड्डू बना बना के रख देंगे, और ऐसे ही ठंडे होने पर ये टूटेंगे नहीं, अभी तो टूट रहे हैं। अगर आपको लगे कि इनका लड्डू नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा घी में कम रखा है और मैंने पीस दिए ताकि ठीक से चबा भी सके। ये हो गए हमारे पौष्टिकता और टेस्टी लड्डू तैयार। देखिए दोस्तों, अगर इनको बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। इतने से सामान में ये है करीब 20 बस 22 लड्डू बन गए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप, जैसे मैंने 1 कटोरी ली उसकी जगह हर चीज़ 2-2 कटोरी के बराबर लीजिए, और ऐसे बनाइए खाइए और मुझे भी बताइए कि आपको कैसे लगे ये।
और आपको जरूर इससे फायदा होगा और आपके बच्चों को भी बहुत ही अच्छा फायदा होगा। मैंने तो बच्चों के लिए बनाए, आप बताएं आपने किसके लिए बनाए, अपने लिए बनाए या बच्चों के लिए? अपने लिए तो अलग प्रोसीजर होगा, उसमें ये सब दवाइयाँ पड़ेगी, जैसे घुटने कमर की दर्द के लिए ऐसे ही होते हैं तिल और अलसी के लड्डू, ऐसे ही होते हैं देखने के लिए। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर नहीं किया हो, और ताकि मैं आपको अपनी वीडियो अपने अनुभव आपको बताती रहूं बना के और सिखाती रहूं। ये सब मुझे मेरी नानी ने बताया था, हम मेरे बच्चे जब छोटे थे मैं उनके लिए भी बना के खिलाती थी और बहुत अच्छी सेहत है, कभी बीमार नहीं पड़े। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।